और आपको सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट में ईसी फाइंड आउट करना है और आपका सेकेंड क्वेश्चन में एडी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि डीई पैरेलल टू बीसी गिवन है, आपका जो साइड होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा, यानी हम कह सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन डीई। तो यहाँ पे देखो AD गिवन है 1.5 और आपका DB गिवन है 3, तो हम कह सकते हैं कि AD आपको गिवन है 1.5 और आपका DB गिवन है 3। As like AE गिवन है 1 और आपका जो EC फाइंड आउट करना है तो हम लोग ले देंगे EC। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग तो EC आपका क्या हो जाएगा 1 × 3 / 1.5। तो आप देखो यहाँ पे तो आपका ईसी कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो वैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 डीई पैरेलल टू बीसी, इसके वजह से सेम रेशियो में डिवाइड होगा तो एडी अपॉन डीबी हो जाएगा आपका एडी अपॉन डीबी और आपका एई अपॉन डीबी। यहाँ पे देखो एडी फाइंड आउट करना है आपको, तो हम लोग एडी और आपका डीबी देखो 7.2 है और आपका एई ईसी कितना गिवन है 1.8 और आपका 5.4, तो 1.8 अपॉन 5.4। आपको एडी फाइंड आउट करना है तो 7.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका एडी क्या हो गया 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। यहाँ डेसिमल डेसिमल रिमूव कर लो, ये डेसिमल को हटा के 10 ला देंगे, 18 जा आ गया आपका और 324 आ गया। 324 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 आ जाएगा, 24 अपॉन 10 यानी हम कह सकते हैं 2.4। तो आपका एडी कितना निकल के आ गया 2.4, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन देखो इक्वेशन 1 में डीई पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है तो जिसकी वजह से एडी अपॉन डीबी और आपका एई अपॉन ईसी हो जाएगा ड्यू टू टेल्स थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय टेल्स थ्योरम, जो आपका साइड होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा तो 1.5 / 3 और इक्वल टू 1/8। इसी को फाइंड आउट करेंगे तो आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, आपका 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो आपका देखो ईसी कितना निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। वैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखो डीई पहले तो बीसी दिया हुआ है तो थ्रेल्स थ्योरम कहता है कि जो उसका साइड का रेशियो होगा सेम होगा तो एडी अपॉन डीबी हो गया, एडी अपॉन ईसी हो गया। यहाँ एडी फाइंड आउट करना है, वैल्यू को पुट करेंगे हम एडी इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 मल्टीप्लाई बाय 7.2, ये आपका डिविजिबल है 3 हो गया, 3 आपका 72 को 24 टाइम्स में डिवाइड करेगा आपको 24 अपॉन 10 आ गया यानी 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो एडी का वैल्यू कितना निकल गया 2.4 सेंटीमीटर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड बी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल बी क्यू आर, फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग केसेस वेदर ई पैरेलल टू क्यू। आपको एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, ट्रायंगल होगा पी क्यू आर और आपका एक पॉइंट पी क्यू पे एक पॉइंट ई और आपका पी आर पे एक पॉइंट एफ और इस लाइन को ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन में आपको पी ई अपॉन पी क्यू पी एफ अपॉन एफ आर यानी आपका रेशियो गिवन है। अब यहाँ पे प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, आपका साइड पी क्यू और पी आर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लाइन ई एफ हम कहेंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा। तो आप देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हम लोग, पहला क्वेश्चन में गिवन है पी ई इक्वल टू 3.9 और आपका ई क्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, वैसे ही पी एफ दिया हुआ 3.6 और आपका एफ आर कितना दिया हुआ 2.4 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम एक साइड का रेशियो निकाल लेते हैं, तो पी ई अपॉन ई क्यू निकाल लेते हैं, आपका पी ई अपॉन यू ई क्यू क्या हो जाएगा 3.9/3 हो जाएगा। तो हम लोग अगर 3 से डिवाइड करें तो 1.3 आ जाएगा। एज लाइक अब दूसरे लाइन का भी रेशियो को देख लेते हैं पी एफ अपॉन एफ आर, तो हम लोग पी एफ अपॉन एफ आर निकाल लें, 3.6/2.4 आ गया, तो 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, तो 3/2 आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो पी ई अपॉन ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर,
तो जब ये इक्वल ही नहीं है उसका रेशियो, तो आपका पैरेललाइज नहीं होगा। तो देखो EF does not divide the sides PQ and PR of triangles PQR in same ratio, therefore EF is not parallel to QR. अब सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, इसमें आपको PE given है 4 cm, EQ given है 4.5 cm, PF दिया हुआ है 8 cm और FR दिया हुआ है 9 cm. तो हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, सबसे पहले PE अपॉन EQ निकालेंगे, तो 4 अपॉन 4.5 हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट साइड का रेशियो निकालेंगे PF अपॉन FR, तो PF 8 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स में डिविजिबल है, तो 4 अपॉन 4.5 आ गया। तो यहाँ देखो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR हो गया। तो इसकी वजह से कन्वर्ज और थ्योरम से क्या कहता है कि आपका जो दोनों साइड होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, तो EF पैरेलल टू QR होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है PQ अपॉन PQ इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपका PE इक्वल टू 0.88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपका दूसरा जो साइड है PR दिया हुआ 2.66 cm और PF दिया हुआ 0.33 cm। अब हम लोग साइड का रेशियो निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले PQ अपॉन PE निकालेंगे, तो PQ अपॉन PE 1.28 अपॉन 0.18, तो सबसे पहले 8 डेसिमल डेसिमल को रिमूव कर दो, 9 टू जा 18 आ गया, 64 टू जा 118 आ गया, 128 आ गया, तो 64 अपॉन 9 आ गया। वैसे ही आपका PR अपॉन PF निकाले, आपका 2.56 और आपका 0.36 है, आपका डेसिमल डेसिमल रिमूव हो गया, 9 फोर जा 66 आ गया, 64 फोर जा 256 आ गया। तो फिर अगेन यहाँ पे वैल्यू देखो 64/9 आ गया, यानी आपका PQ अपॉन PE इक्वल टू PR अपॉन PF हो गया, तो PQ अपॉन PE इक्वल टू PR अपॉन PF हो गया। तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम से कहता है कि आपका जो EF और आपका जो QR होगा ये एक दूसरे का कन्वर्स। अब हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। डायग्राम को देखो, डायग्राम में ए बी सी एक ट्रेंगल आ गया और आपका एम एल एक आपका लाइन है, एज लाइक ए सी डी एक ट्रेंगल है और आपका एल एन एक आपका लाइन हो गया, और यहाँ पे गिवन क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी है और आपका एल एन पैरेलल टू बी बी है। तो जो आपका एल एम पैरेलल टू बी सी है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपका ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB प्रूव करना है, तो आपको वैसे ही रेशियो लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग AM अपॉन AB रेशियो लेंगे और आपका AL अपॉन AC रेशियो लेंगे, यानी AM अपॉन AB और आपका AL अपॉन AC। एक ट्रायंगल का रेशियो निकल गया, अब दूसरा ट्रायंगल में जो दूसरा ट्रायंगल है आपका ACD, इसमें आपका LN पैरेलल दिया हुआ BC, तो अगेन हम लोग इसका रेशियो निकाल लेंगे बाय कन्वर्स थ्योरम, तो आपका ए एन अपॉन ए डी हो जाएगा और ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा। हम दूसरा कह सकते हैं ए एन अपॉन ए डी और आपका ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम हो जाएगा। तो यहाँ देखो, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 की बात करें, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी हो रहा है, यहाँ पे ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम कह सकते हैं AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AD, क्योंकि दोनों में आपका AL अपॉन AC गिवन है, तो हम लोग वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, तो यही सॉल्यूशन देखो, फिगर में ट्रायंगल ABC है, उसमें LM पैरेलल टू CB दिया हुआ है, तो AM अपॉन AB कर लेंगे और आपका AL अपॉन AC कर लेंगे, तो आपका इक्वेशन 1 मान लो और ये हो रहा है बाय थ्योरम थ्योरम या BPT के थ्रू। ट्रायंगल ACD की बात करें, उसमें आपका LN पैरेलल टू CD गिवन था, जिसकी वजह से AN अपॉन AD हो गया और AL अपॉन AC हो गया, ये भी थ्योरम थ्योरम के थ्रू हुआ। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो, आपका AM अपॉन AB हो गया और आपका AN अपॉन AD हो गया। ये आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, और आपका जो गिवन, आपका जो फिगर हो गिवन है, तो फिगर देखो ABC है आपका एक ट्रायंगल और आपका DE पैरेलल टू AC है और आपका DF पैरेलल टू AE है, और आपको ये प्रूव करना है।
फिगर में देखो आप लोग, अगर हम बात करें ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में बात कर रहे हैं और इसमें गिवन कि आपका कि जो डीई पैरेलल टू एसी है, तो आपका टेल्स थ्योरम की वजह से यहाँ पे बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीडी अपॉन डीए हो जाएगा बाय टेल्स थ्योरम। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब दूसरा, अगर हम ट्रायंगल एबीई ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी ई ले लेते हैं और इसमें आपको गिवन क्या है, डी एफ पैलर टू ए ई, यानी आपका डी एफ पैलर टू ए ई गिवन है, तो डी एफ पैलर टू ए ई है तो आपका बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा और आपका बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा। इसको भी हम लोग थेल्स थ्योरम के थ्रू, ए बी आपका थेल्स थ्योरम हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन वन और टू की बात करें तो हम कह सकते हैं बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, आपको यही प्रूव करना था। इन ट्रायंगल बी सी ए लेते हैं जिसमें आपका डी ई पैरेलल टू ए सी गिवन है, तो इसकी वजह से बी ई अपॉन ई सी हो गया इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए हो गया। इसको इक्वेशन वन मान लो बाय थेल्स थ्योरम। और आपका नेक्स्ट देख ले, बी ई ए में आपका डी एफ पैरेलल टू ए ई हो गया जिसकी वजह से बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए हो गया। इसको इक्वेशन टू मान लो बाय थेल्स थ्योरम। तो इक्वेशन वन टू की वजह से बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू बी एफ अपॉन एफ ई हो गया और बी ई अपॉन ई सी हो गया। इसमें आपको गिवन है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर और आपको प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो फिगर आपका इस तरह गिवन है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू यानी आपका जो डी ई लाइन है ओ क्यू के पैरेलल है, तो हम लोग को पता है बाय थेल्स थ्योरम तो क्या हो जाएगा, आपका पी ई अपॉन ई क्यू हो जाएगा और आपका पी डी अपॉन डी ओ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका पी ई अपॉन ई क्यू हो गया और आपका पी डी अपॉन डी ओ हो गया बाय थेल्स थ्योरम, अगर ये आपका पैरेलल गिवन है तो। फिर दूसरा क्या गिवन है, ये आपका डी एफ पैरेलल टू ओ आर गिवन है यानी आपका डी एफ ओ आर के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं पी एफ अपॉन एफ आर हो गया और आपका पी डी अपॉन डी ओ हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी एफ अपॉन एफ आर और आपका पी डी अपॉन डी ओ, इसको भी इक्वेशन टू मान लो। तो यहाँ देखो इक्वेशन वन और टू आपका पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो गया। अब अगर मान लो आपका पी ई और ई क्यू का रेशियो इक्वल टू पी एफ और एफ आर का रेशियो बन रहा है, तो हम कह सकते हैं जो आपका लाइन है ई एफ वो थर्ड साइड यानी क्यू आर का पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ई एफ है लाइन वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, क्यों होगा, बाय कन्वर्स डीपीटी या फिर आप कह सकते हो थेल्स थ्योरम। अब देखो सॉल्यूशन देख लो, तो सबसे पहले ये तो आपका जो डायग्राम है बुक में गिवन है, इसमें हम ट्रायंगल पी क्यू ओ की बात कर लेते हैं, पी क्यू ओ की बात कर लेते हैं, इसमें आपका गिवन है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू जिसकी वजह से पी ई अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन टी ओ आ गया बाय डी पी टी, आप थेल्स थ्योरम लिख सकते हो। एज लाइक अब ट्रायंगल पी आर ओ की बात कर ले, तो यहाँ पे डी एफ पैरेलल टू ओ आर दिया हुआ है, तो इसके वजह से क्या हो गया पी एफ अपॉन एफ आर पी डी अपॉन डी ओ हो गया बाय बी पी टी या थेल्स थ्योरम कह सकते हो। तो फ्रॉम वन एंड टू आप कह सकते हो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ गया। यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ क्यू आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय कन्वर्स थेल्स थ्योरम या बाय कन्वर्स बी पी टी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, फिगर गिवन है, इसमें आपका ए बी सी पॉइंट्स गिवन है ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, यानी आपका ए पॉइंट गिवन है ओ पी साइड में, बी पॉइंट गिवन है ओ क्यू साइड में और आपका ओ आर साइड में सी पॉइंट गिवन है। अब इस पॉइंट के वजह से जो ए बी हो रहा है आपका पी क्यू के पैरेलल हो रहा है और आपका जो ए सी हो रहा है वो पी आर के पैरेलल हो रहा है, तो आपको बताना है कि जो बी सी है वो आपका क्यू आर के पैरेलल हो। तो आपका जब पैरेलल गिवन होगा तो हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल होगा ओ पी क्यू उसका जो साइड होगा ओ पी और ओ क्यू उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये क्या हो जाएगा आपका बाय बी पी टी के थ्रू हो जाएगा। वैसे ही आपका जब ए सी पैरेलल टू पी आर है तो हम कह सकते हैं ओ सी अपॉन सी आर और ओ ए अपॉन ए पी हो जाएगा, यानी ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू
और सी अपॉन सी आर हो जाएगा, जिसको इक्वेशन टू मान लो अगर, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू ओ बी अपॉन बी क्यू और आपका ओ सी अपॉन सी आर, यानी यहाँ पे सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है दो लाइन, यानी ओ बी और बी क्यू, ओ सी और सी आर सेम रेशियो पे डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं जो आपका लाइन है बी सी वो थर्ड साइड यानी क्यू आर का पैरेलल होगा, तो हम कह सकते हैं बी सी पैरेलल टू क्यू आर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब सॉल्यूशन देख लो, आपका जो ये डायग्राम है ये आपका बुक में गिवन है। हम सबसे पहले ट्रायंगल ओपीक्यू की बात कर लेते हैं, और ओपीक्यू ट्रायंगल में आपका ए बी पैरेलल टू पी क्यू गिवन है, तो हम बाय बीपीटी या बाय थेल्स थ्योरम कह सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, इसको हम इक्वेशन वन मान लो। वैसे ही आपका ट्रायंगल ओ पी आर में ए सी पैरेलल टू पी आर गिवन है, तो हम कह सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी ओ सी अपॉन सी आर हो जाएगा, ये भी बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम के थ्रू हो जाएगा। तो इक्वेशन वन एंड टू से आपका ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर आ गया, बाय कन्वर्स बीपीटी या बाय कन्वर्स थेल्स थ्योरम से बी सी पैरेलल टू क्यू आर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। आपको क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है और आपका एक साइड पे एक मीड पॉइंट है। लेट हम लोग मान लेते हैं कि जो डी है वो आपका मीड पॉइंट है। पॉइंट डी से एक लाइन को ड्रॉ करना है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो, यानी डी ई पैरेलल टू बी सी। अब इस लाइन को हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी वजह से जो आपका एक साइड है ए सी वो क्या हो रहा है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है, जो ई है ना ये आपका मीड पॉइंट है, यानी ई ए सी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। आपका ए ई इक्वल टू ई सी, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना। तो ये लाइन जो ड्रॉ हुआ उससे आपका जो ए सी आपका जो साइड होगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी आपको प्रूफ करना है ए ई इक्वल टू ई सी। यानी अगर हम गिवन की बात कर ले तो हम लोग को दिया हुआ क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। तो हमको पता है जब गिवन दिया हुआ है पैरेलल, तो बाय थ्योरम से हम क्या कहता है कि ए डी और डी बी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, आपका डी क्या है, मीड पॉइंट है, तो मीड पॉइंट का वैसे क्या होगा, ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी को क्या कर सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू वन लिख सकते हैं, क्योंकि डी बी को हम इधर लेके आ जाए तो यहाँ पे सी पॉसिव वन बच जाएगा। तो ए डी अपॉन डी बी रेशियो किसके इक्वल हो जा रहा है, वन के इक्वल हो रहा है। इस वन को यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम लिख सकते हैं वन इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ई सी को इधर हम लेके आ जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल टू ई सी। यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो ई पॉइंट डी मीड पॉइंट है और ए सी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल पार्ट ए ई और ई सी में डिवाइड कर रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड द लाइन डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी मीटिंग ए सी एट ई। तो यही आपको ना गिवन में लिख लेना। आपको प्रूफ क्या करना है, ए ई इक्वल टू ई सी प्रूफ करना है। और आपको गिवन क्या था कि डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन था। बाय थेल्स या बीपीटी आपका जो साइड है इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। लेकिन हमको पता है डी क्या था, मीड पॉइंट था, जिसके वजह से ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा, डी इज मीड पॉइंट ऑफ ए बी। हम कह सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू वन हो गया। इक्वेशन वन में अगर इसकी वैल्यू ए डी अपॉन डी बी की जगह वन पुट करते हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, वन इक्वल टू ई अपॉन ई सी, यानी ए ई इक्वल टू ई सी। तो क्या हो जाएगा आपका, सिंस ई इज मीड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड ए सी। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और आपका दो मिड पॉइंट गिवन है दो साइड में, यानी ए बी पे एक मिड पॉइंट है लेट डी और आपका ए सी पे एक मिड पॉइंट है लेट ई। अगर हम डी और ई पॉइंट को मीट करते हैं, मिलाते हैं, तो आपका जो प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। और आपका जो पॉइंट डी है और ई है वो क्या है, आपका
मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की वजह से क्या होगा, ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा और आपका ए ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा। डी अगर मिड पॉइंट है साइड ए बी पे, तो हम कह सकते हैं कि जो ए डी है और आपका जो डी बी है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और वैसे ही अगर ई मिड पॉइंट है, ई अगर मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ए ई होगा और जो ई सी होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू वन लिख सकते हैं, एज लाइक वैसे ही ए ई अपॉन ई सी भी क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपका वन आ रहा है, यहाँ पर भी आपका वन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आएगा, क्योंकि दोनों जगह पे ए आ रहा है तो हम लोग वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपका क्या आएगा, ए डी अपॉन डी बी आ गया और आपका ए ई अपॉन ई सी आ गया। तो यानी हम कह सकते हैं आपका कि जो आपका एक ट्रायंगल है और आपका जो दो साइड है वो सेम रेशियो पे डिवाइड हो रहा है, ए डी अपॉन डी बी और आपका ए ई अपॉन ई सी, जब आपका सेम रेशियो में डिवाइड होता है तो आपका जो लाइन डी ई वो थर्ड साइड का पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी, तो हम कह सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ थेरम। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी को ड्रॉ कर लेते हैं और आपका जो डी और आपका जो पॉइंट ई है मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से ए डी इक्वल टू डी बी हो गया और आपका ए इक्वल टू ई सी हो गया। तो हम लोग सॉल्यूशन में देखो, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूफ करना है। तो अगर मान लो आपका डी और ई मिड पॉइंट है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका कि ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, वैसे ही ए ई इक्वल टू ई सी हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन टू मान लेते हैं। तो हम इक्वेशन वन को ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू वन लिख सकते हैं, वैसे ही इक्वेशन टू को हम ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू वन लिख सकते हैं। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ से आपका ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आ गया, तो आपका बाय कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है कि डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, एक ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया हुआ है, उसमें ए बी पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है और जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे। आपको प्रूफ करना है या आपको दिखाना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम हो गया जिसमें आपका ए बी पैरेलल टू सी डी है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो आपका डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी और आपका जो बी डी इंटरसेक्ट हो रहा है ओ पे, तो यहाँ से एक लाइन ए डी पे ड्रॉ करेंगे ओ ई, और आपको बाई कंस्ट्रक्शन हम कहेंगे कि ये जो लाइन ओ ई है वो पैरेलल टू ए बी है। यानी बाई कंस्ट्रक्शन हम कह रहे हैं कि ओ ई पैरेलल टू ए बी हो गया, ये क्या हो गया आपका बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल टू डी सी और ओ ई पैरेलल टू ए बी है, तो हम कह सकते हैं कि ओ ई पैरेलल टू डी सी भी होगा। अब हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे ए डी सी और आपका ओ ई पैरेलल टू डी सी है, तो इसके वजह से जो आपका साइड होगा वो सेम रेशियो पे डिवाइड होगा, यानी आपका ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। वैसे ही फिर एक ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, इसमें आपका ओ ई पैरेलल टू ए बी है, जिसके वजह से ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन और इस इक्वेशन आपका ए ओ अपॉन ओ सी और आपका बी ओ अपॉन डी ओ आ गया। अगर हम मान लो रिप्लेस कर देते हैं बी ओ और सी ओ को, तो हम कहेंगे ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, तो सबसे पहले फिगर को देख लो, गिवन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है और उसका जो डायगोनल है ए सी और आपका जो बी डी वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ से, तो आपको प्रूफ क्या करना है ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि कंस्ट्रक्शन करना होगा, कहाँ पे ओ से कंस्ट्रक्शन करेंगे और आपका एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ए डी पे जो कि पैरेलल होगा ए बी का। तो कंस्ट्रक्शन थ्रू ओ ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी, तो इसकी वजह से क्या हो गया आपका ओ ई पैरेलल टू डी सी भी होगा। अब हम लोग ट्रायंगल ए डी सी की बात कर लेते हैं, तो इसमें ओ ई पैरेलल टू डी सी है, ये बाय कंस्ट्रक्शन आ गया, तो आपका थेरम थ्योरम कहता है कि उसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा साइड का, तो ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल हो गया।
ए बी जो ट्रायंगल लेंगे इसमें भी ओ ई पैरेलल टू ए बी है, तो थेल्स थ्योरम कहता है ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन जी ओ हो जाएगा। तो इक्वेशन वन और टू से ए ओ अपॉन सी ओ बी ओ अपॉन डी ओ आ गया। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। आपको प्रूव करना है क्या कि ए बी सी डी है एक ट्रेपेजियम है, यानी आपका एक क्वाड्रेटर अभी गिवन है, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है। अब इस क्वाड्रेटर में आपको गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, और आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर जो गिवन है इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, पॉइंट ओ से एक लाइन को अंदर ड्रॉ करेंगे ए डी पे, और हम लोग कहेंगे कि ओ ई पैरेलल टू ए बी है, यानी कंस्ट्रक्शन में क्या निकल के आ रहा है कि ओ ए ओ ई पैरेलल टू ए बी हो गया। तो जैसे ही ओ ई पैरेलल टू ए बी होगा तो हम बाय थेल्स थ्योरम कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी यानी ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी ओ अपॉन ओ डी हो जाएगा। तो बी ओ अपॉन बी ओ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो बी ओ डी ओ किसके इक्वल हो रहा है, ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू से, तो हम कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू क्या हो गया आपका ए ओ अपॉन सी ओ आ गया। यानी यहाँ पे देखो ए ई अपॉन ई डी जो रेशियो है साइड का वो किसके इक्वल हो गया, ए ओ अपॉन ओ सी का इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि ओ ई पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, ओ ई पैरेलल टू सी डी हो गया आपका, और बाय कंस्ट्रक्शन आपका क्या निकला था ओ ई पैरेलल टू ए बी। तो हम कह सकते हैं इन दोनों पैरेलल से कि ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, यानी आपका जो ए बी होगा इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रेटर जिसका एक अपोजिट साइड पैरेलल हो और एक नॉन पैरेलल हो, तो उसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ए बी सी डी में ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब इसका सॉल्यूशन देख लो। गिवन अ क्वाड्रेटर ए बी सी डी इन विच डायगोनल इज ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ हो रहा है इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ हो रहा है। हम यहाँ पे बी ओ और सी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपका ए ओ अपॉन सी ओ और आपका इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ हो गया। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो क्वाड्रेटर ए बी सी डी है वो ट्रेपेजियम है। तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे पॉइंट ओ से और आपका एक पैरेलल बनाएंगे ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब हम लोग ट्रायंगल ए डी बी में देखेंगे और आपका ओ ई पैरेलल टू ए बी हो गया, तो बाय थ्योरम हम कहता है ए ई अपॉन ई डी बी ओ अपॉन डी ओ। तो यहाँ पे ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ हो गया बाय थ्योरम। तो आपका ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ भी हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन वन में हमने देखा था कि ए ओ अपॉन सी ओ किसके इक्वल होता है, बी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो बी ओ डी ओ का वैल्यू रिप्लेस कर गया बाय ए ओ सी ओ। तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स, तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स थ्योरम थ्योरम से ओ ई पैरेलल टू डी सी हो गया, और आपका ओ ई पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन गिवन है। तो इन दो इक्वेशन से हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया, आपका जो क्वाड्रेटर ए बी सी डी हो गया एक ट्रेपेजियम हो गया।